दलित को शूद्र मानते हैं, बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। यह नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को लेकर के बिहार से छिड़ा विवाद जब उत्तर प्रदेश में पहुंचा और कमान थामी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो अखिलेश यादव भी साथ हो गए। मानो उन्हें ऐसा बड़ा मुद्दा मिल गया जिसकी बहुत दिनों से तलाश थी। अभी तक MY यानी मुस्लिम यादव के नेता पिछड़ों के नेता बनने के लिए बहुत दिनों से ताक में थे और मिल गया है वो मुद्दा। बस क्या था, पीताम्बरा के यज्ञ में गए, वहाँ पे बीजेपी वालों ने विरोध किया, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी, मैं भी शूद्र हूँ, हम भी शूद्र हैं। बीजेपी वाले जवाब दें कि क्या शूद्र जो है वो मंदिर में नहीं जाएगा। उसके पहले अटकलें थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया है उस पर अखिलेश यादव नाराज हैं, लेकिन नाराज नहीं है, खुश हैं और उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी मौन साध गई है, मानो उसे या तो जवाब नहीं सूझ रहा है या अपने को फंसा हुआ पा रही है। नारा बुलंद कर रही थी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और इधर नारा बुलंद हो गया, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो बीजेपी ने इसी में भलाई समझी कि चुप हो जाइए, लेकिन चुप हो जाने से राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं होता। राजनीति तो राजनीति है, हर समय वो वोट की फसल की ताक में रहती है। लिहाजा लगभग एक हफ्ते की चुप्पी के बाद उसी केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया जो अखिलेश का जवाब देने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए केशव प्रसाद मौर्य को। बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है, और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए इस प्रकार की असफल कोशिश है, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर उनके पास जनहित से जुड़े हुए कोई मुद्दे हों उनको लेकर के आवें, जो मुद्दे न भाजपा से संबंधित हैं, न सपा से संबंधित हैं और न राजनीति से संबंधित हैं, उन मुद्दों को लेकर के आना और समाज का माहौल खराब करना, ये गैर कानूनी आचरण है। सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि और विकास की बात तो वो कर नहीं सकते, कोई ऐसा मुद्दा उठा नहीं सकते जिस पे लगे कि उन्हें लाभ होगा, लिहाजा जाति जहर बोने का काम कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। साथ में ये वार करना भी नहीं भूलते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि विधानसभा में मुख्यमंत्री से इस चौपाई का अर्थ पूछूंगा, क्योंकि वो भी तो एक पीठ के मुखिया हैं और CM भी हैं, उसको भी, उस पर भी केशव प्रसाद मौर्य जवाब देते हैं। यानी दोनों ओर से तैयारी हो रही है विधानसभा में वार पलट वार की। बहरहाल अभी समाजवादी पार्टी आपका अपर हैंड है और वो इस पे लीड लिए हुए ऐसा दिख रही है, मानो रामचरितमानस का विवाद छोड़ करके उसे बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। लेकिन बीजेपी मौन है और जवाब भी दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को, भाव भंगिमा को, काफ़ी सधी हुई बात बोल रहे हैं, सधे हुए शब्द और सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं,
कहीं स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए, बात का बतंगन ना बन जाए, क्योंकि राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है। अभी जो संकेत और संदेश है उसमें अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों को लामबंद करने का ऐलान कर दिया है और उन्हें नारा भी मिल गया है कि हम भी शूद्र हैं। तो जो मुस्लिम और यादव के बलबूते राजनीति कर रहे थे उसमें यदि पिछड़े जुड़ जाते हैं तो फिर कौन रोक पाएगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को। और जहां तक बात है स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो वो तो अपनी एक तरह से राजनीति की अंतिम पारी ही खेल रहे हैं। विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए, विधान परिषद के सदस्य हैं और जो इन्होंने विवाद छेड़ा है उस विवाद के इनाम में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला है। यदि इस मुद्दे को आगे बढ़ा ले गए, समाजवादी पार्टी के झोली में कुछ डाल दिया, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है सपा में और ज़्यादा पूछ बढ़ जाएगी। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये यूं कहें कि रामचरितमानस का नाम लेकर के जो साहस दुस्साहस दिखाया है वो बहुत कम नेताओं में होता है, और इसीलिए इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव को सूट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए जो बेबाक बोल सके। यदि सही लगे तो कुछ दिनों बाद समर्थन कर दो, लगे कि दांव सही लगा है तो फिर पीठ थपथपा दो, और नहीं तो फिर निजी बयान करार दे दो। अदरवाइज चाचा शिवपाल यादव ने तो ये उनका निजी बयान ही करार दिया था, जिसका बाद में तरीके से अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया। देखते हैं विवाद कहाँ तक जाता है और बीजेपी ने जो चुप्पी साध रखी है कब तक चुप्पी साधती है। केशव मौर्य के जवाब देने से क्या ये विवाद शांत हो जाएगा, इस पे हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। दलित को शूद्र मानते हैं।